हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करने वाले हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर एक ही वीडियो में। एंड दीज आर द टॉपिक्स: टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच एंड एरर एंड करेक्शन। हम इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ करेंगे प्रैक्टिस सेट। सो कीप वॉचिंग। सो फर्स्ट टॉपिक इज टेंसेस। सबसे पहले देखते हैं कि टेंसेस का मीनिंग क्या होता है। सो टेंसेस का मीनिंग होता है ऐसे सेंटेंसेस जो हमें किसी भी काम के होने का समय बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। सो काम क्या हो रहा है? टीचिंग हो रही है। और किस टाइम पर हो रही है? अभी हो रही है। तो हमें क्या पता चला? कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टेंस। इसी का एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, मोहन डज हिज होमवर्क। मोहन ने क्या काम किया? अपना होमवर्क किया। और किस टाइम किया? हमें कैसे पता चलेगा? ये जो वर्ब की फॉर्म है, इससे हमें पता चल जाएगा काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। यहाँ पे लगा है डज, तो इससे हमें पता चल गया जो काम है वो प्रेजेंट में हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस को पहचानना कैसे है। फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए अगर किसी भी सेंटेंस में डू और डज लगा हुआ है, इज एम आर लगा हुआ है या हैज हैव लगा है, तो वो है प्रेजेंट टेंस। फॉर पास्ट टेंस, अगर सेंटेंस में डिड है, वॉज वर है और हैड है, तो वो है पास्ट टेंस। फ्यूचर के लिए एक ही पहचान है, वो है विल शैल का यूज। इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने सेंटेंस है ही इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे क्या है? इज लगा हुआ है। इज कौन से टेंस में आता है? राइट, प्रेजेंट टेंस में। सो इस तरह से सबसे पहले हमने टेंसेस की पहचान करी है। अब यहाँ आपके सामने है टेंसेस का एक टेबल और इसी में सारे रूल्स गिवन है जो बहुत ही इजी है। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। इसके फोर टाइप्स हैं। दिस इज सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो सिंपल प्रेजेंट का रूल है वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है एज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई है, आई के साथ लगा है राइट। अगर यहाँ पे ही होता तो ही के साथ लग जाता राइट्स। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग। इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस आई एन जी। आई के साथ एन लगा है, अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो उसके साथ लग जाता इज। थर्ड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला होता हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आई है तो यहाँ लगा है आई हैव रिटन। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे होता ही हैज रिटन। एंड इट्स फोर्थ टाइप इज आई हैव बीन राइटिंग। इसका फॉर्मूला होता हैज हैव प्लस बीन प्लस राइटिंग। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आ गया आई रोट। अगर यहाँ पर ही शी इट होता तो भी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आती। Then is I was writing. The formula is was verb plus ing. I was writing, he was writing, they were writing. Third is past perfect. I had written. The formula is had plus verb की third form. कोई भी pronoun हो यहाँ पर had plus verb की third form ही आएगी. And last is past perfect continuous. इसमें भी I had been writing. इसमें had plus been plus ing लग जाता है. लास्ट इज फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर, इसका फॉर्मूला है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस इज आई विल बी राइटिंग। द फॉर्मूला इज विल बी प्लस शैल बी प्लस आई एन जी। थर्ड इज आई विल हैव रिटन। सो द फॉर्मूला इज विल शैल प्लस हैव प्लस रिटन। एंड द लास्ट इज आई विल हैव बीन राइटिंग एंड द फॉर्मूला इज विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आई एन जी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ये पूरी वीडियो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में भी की है। जिसको अच्छे से आते हैं वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जिसको टेंसेस नहीं आते वो डिटेल वीडियो को पहले जरूर देखें। सो वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। इट हैज टोटल 10 क्वेश्चंस। टेंसेस का प्रैक्टिस सेट हम एक स्पेशल फॉर्मूला से करने वाले हैं। एंड द फॉर्मूला इज फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। सेकेंड इज यू हैव टू कट द एक्स्ट्रा ऑप्शंस। एंड थर्ड इज हिंट्स। अब इसको कैसे अप्लाई करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर वन, माय ब्रदर इज वेरी काइंड हार्टेड, ही ऑफन डैश द पुअर। सो सबसे पहले हमें करना है आइडेंटिफाई ये कौन सा टेंस है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? इसमें आ गया इज। इज किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ये है प्रेजेंट टेंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कट द ऑप्शंस। जो ऑप्शंस प्रेजेंट में नहीं है हम उनको कट कर देंगे।
क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में आएगा। तो अब इनमें से जो भी ऑप्शंस प्रेजेंट में नहीं है आप उनको कट कर दो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, सेकंड पास्ट में है, हमने इसको कट कर दिया। थर्ड है, फोर्थ भी पास्ट में है। तो अब हमारे पास बचे हैं टोटल टू ऑप्शंस, ए एंड सी। इसी में से हमें राइट आंसर मिलेगा। थर्ड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट द हिंट्स। अब हिंट देखो जिससे हमें पता चल जाए कि राइट आंसर दोनों में से कौन सा है। ही ऑफन डैश द पुअर, यहाँ पे लगा है ऑफन, और ऑफन बताता है हमें हमारी हैबिट को। हैबिट कौन से टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट या एबिलिटी को बताया जाता है। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ही ऑफन हेल्प्स द पुअर। अब इन्हीं तीन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, द बेल डैश बिफोर आई एंटर द क्लास, कौन सा टेंस यूज हुआ है? यहाँ पे है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सो दिस इज पास्ट टेंस। कट द ऑप्शंस, जो पास्ट में नहीं है उनको हम कट कर देंगे। हैड रंग है, रैंग भी है, इज रिंगिंग नहीं है, तो हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। अब हमें कैसे पता चलेगा आंसर? द बेल डैश बिफोर आई एंटर द क्लास, इससे पहले मैं क्लास में एंटर करता बेल हो चुकी थी, तो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था। तो जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, हैड रंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, ही यूजुअली डैश एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे लगा हुआ है यूजुअली, इससे हमें पता चल रहा है दिस इज प्रेजेंट टेंस। टेंस का हमें पता चल गया, बाकी ऑप्शंस कट कर दीजिए, बिल कट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस प्रेजेंट के हैं। अब यहाँ पे लगा है यूजुअली, यूजुअली से हमें पता चलता है ये हमारी नॉर्मल हैबिट्स को बताता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था हैबिट्स और एबिलिटी को कौन बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो राइट ऑप्शन इज गेट्स अप, ही यूजुअली गेट्स अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये उसकी हैबिट है। क्वेश्चन नंबर फोर, एज आई डैश टू स्कूल येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, कौन सा टेंस है? दिस इज पास्ट टेंस। कट द ऑप्शंस, फर्स्ट कट हो गया, थर्ड कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया। ग्रेट, हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया, राइट आंसर इज बी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एज आई वॉज कमिंग टू स्कूल येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। क्वेश्चन नंबर फाइव, लुक द पुलिसमैन डैश आफ्टर द थीफ, तो यहाँ पे वर्ड आ गया लुक, देखो, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, कोई एट प्रेजेंट आपको कुछ दिखा रहा है। सो कट द एक्स्ट्रा ऑप्शंस, ये प्रेजेंट है। सी कट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस ऐसे ही रहेंगे। नाउ व्हाट इज द हिंट? कोई आपको ये दिखा रहा है कि जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे भाग रहा है, तो कौन सा एक्शन है? कंटिन्यूअस एक्शन है, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है? इज एम आर प्लस आई एन जी। सो राइट ऑप्शन इज डी, इज रनिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टीचर हैड स्टार्टेड द लेसन बिफोर आई डैश द क्लास, इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम में जरूर आता है। और हमारे पास तीन स्टेप्स हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ध्यान रखना होता है, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो इस सेंटेंस के एंड में आ जाता हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या दिया है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इससे हमें डायरेक्ट आंसर भी पता चल रहा है, राइट आंसर इज बी। और हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, ये है पास्ट टेंस, तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। इज एंटरिंग कट हो गया, अब हमारे पास बचे तीन ऑप्शंस। तो इससे पहले मैं क्लास में पहुंचा, टीचर लेसन स्टार्ट कर चुकी थी, सो बिफोर आई, इसके साथ क्या फॉर्मूला आ जाएगा? मैं क्लास में पहुंचा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेवन इज इफ यू प्ले द पियानो आई डैश, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर इफ लग गया, कंडीशन लगी है, अगर तुम पियानो बजाओगे तो मैं गाना गाऊंगा। सो इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट आंसर है सी, आई विल सिंग। क्वेश्चन नंबर एट, एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ ही डैश समथिंग फुलिश, सो ये कौन सा टेंस है? ओपन से हमें पता चल रहा है दिस इज प्रेजेंट टेंस। सो कट द ऑप्शंस, सेट कट जाएगा, विल कट जाएगा, हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। सो इसकी हिंदी क्या बन रही है? जब भी वो अपना मुंह खोलता है कुछ बुरा ही बोलता है, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? ही के साथ आ जाएगा सेज, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, डू यू नो दैट मैन हु डैश टू योर फादर, सो
डू यू नो कौन सा टेंस है हमें पता चल रहा है, डू से हमें पता चल रहा है ये है प्रेजेंट टेंस। कट द ऑप्शंस, वॉज कट हो गया, अभी भी हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं। सो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो तुम्हारे फादर से बात कर रहा है? तो आंसर किस में आना चाहिए? कंटिन्यूअस में आना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल है? इज एम आर प्लस आई एन जी। अब इज एम आर यहाँ पे लगा है लास्ट ऑप्शन में, सो राइट ऑप्शन इज डी, इज टॉकिंग। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द जनरल एडमिटेड दैट ही डैश द बैटल। सो यहाँ पे लगा है एडमिटेड, कौन सा टेंस है? ये है पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट ऑप्शन कट हो रहा है डी। इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो बाद में क्या आएगा, हैज हैव या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आ जाती है। इस केस में क्या है, एडमिटेड में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज हैड लॉस्ट, बी, बी इज द राइट आंसर। सो वी आर डन विद टेंसेज। योर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक रूल है, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, हम ये तो नहीं बोलेंगे मैं जाते हैं, नो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वे खेलते हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे वे खेलता है, नो, तो जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। इसके कुछ और रूल्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट्स एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। मीन्स अगर एक सब्जेक्ट है तो एक के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग, एक डॉग की बात हो रही है, द डॉग बार्क्स व्हेन ही इज एंग्री, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो आ गया बार्क्स। और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है द डॉग्स, तो डॉग्स क्या है, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर आ गया बार्क। तो हमें कोई भी जो वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म है तो उसके साथ एस और ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट, लेकिन वहीं पर आई वी यू दे इनके साथ एस और ई एस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू मार्केट, क्लियर। सेकेंड रूल इज द वर्ड्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रूल चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये लिटिल बॉय, ये है सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या है, ये है, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है और यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आ गया बूट्स, तो बूट्स तो बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए आर, लेकिन ये नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड्स आए, इसके अकॉर्डिंग रूल चेंज नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग रूल चेंज होगा, हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, लिटिल बॉय, तो जो लिटिल बॉय है, लिटिल बॉय इज वेल ड्रेस्ड, लिटिल बॉय के अकॉर्डिंग इज लगा है, यहाँ पर आर नहीं आएगा। थर्ड रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है बॉय और दूसरा सब्जेक्ट है गर्ल, इन दोनों को किस चीज से ज्वाइन किया हुआ है, एंड से। तो जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया गया है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, जैसे कि द बॉय एंड द गर्ल वर लेट फॉर देयर एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर दोनों को रेफर किया गया है। रूल नंबर 4, द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ आएगा, ककुम्बर एंड टमेटो इज माय फेवरेट सैंडविच, ये दोनों चीजें सैंडविच के अंदर हैं तो इसलिए यहाँ पर इज लगा है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी या नो लगा है तो वहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, और ईच और एवरी वाले सेंटेंसेस आपको जरूर आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पल इज नो शाउटिंग इज अलाउड, नो लगा था इसलिए यहाँ पे आया है इज, और यहाँ पर
एवरी लगा है इसलिए यहां पर आ गया इज। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी और नो कहीं पर भी लगा है तो वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 6, अगर किसी भी सेंटेंस में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट या फिर टाइम दिया है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 10 मिनट्स इज इनफ टाइम, तो ये क्या है, ये टाइम है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है। रूल नंबर 7, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एनीवन फॉलो सिंगुलर वर्ब। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं इन सब के साथ बॉडी 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 लगा है और बॉडी क्या होती है, एक ही होती है, तो हमें क्या रूल याद रखना है, बॉडी जहां पर भी आ गया वहां पर सिंगुलर वर्ब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन, ये भी वन आ गया या बॉडी है, एवरीबडी है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द प्ले टू स्टार्ट, तो जहां पर भी ये चीजें आई हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आ गया एवरी वन इज वेटिंग फॉर द प्ले टू स्टार्ट। और ऐसे सेंटेंसेस आपको आते हैं, ईच, एवरी, एवरीबडी, एनी वन, इस तरह के सेंटेंसेस जरूर आते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, द वर्ब इज सिंगुलर फॉर कलेक्टिव नाउंस। कलेक्टिव नाउंस मीन्स नाउंस जो बाकी सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी कलेक्टिव नाउंस हैं उनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास, अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन क्लास तो एक ही है तो इसके साथ आएगा इज। द क्लास इज येलिंग, येलिंग मीन्स चिल्ला रही है, शोर मचा रही है। इसका एक और एग्जाम्पल है स्कूल, द स्कूल इज वर्किंग। अब स्कूल तो कितना बड़ा है, स्कूल में कितनी सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी स्कूल के साथ आएगा इज। रूल नंबर 9, द वर्ब इज सिंगुलर फॉर टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड मूवीज। अगर किसी भी मूवी का नाम है या फिर बुक का नाम है उसके साथ आएगा इज। अब इस रूल को आप कैसे याद रख सकते हो, कोई भी आपकी फेवरेट मूवी है उसका आप नेम याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बाहुबली, बाहुबली इज माई फेवरेट मूवी, तो मूवी के नेम के साथ क्या आ गया, इज। इसी तरह कोई भी आपकी फेवरेट बुक है उसके साथ आएगा इज, वहां पे आर नहीं आएगा। देन रूल नंबर 10, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स इन द सिंगुलर आर जॉइंड बाय और नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर, देन द वर्ब इज सिंगुलर। अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन और आए रन एवरी डे, रन आया है, रन्स नहीं आया है। नेक्स्ट, आइदर यू और योर फ्रेंड शुड डू द वर्क, नाइदर गणेश नॉर विष्णु इज प्लेइंग, यहाँ पर आ गया इज, आर नहीं आया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कनेक्ट हुए हैं और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट इज रूल नंबर 11, रूल्स हैं टोटल 15, आपको सुनने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा लेकिन अगर आप एक बार भी इनको सुन लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको जरूर याद रहेगा। अगर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को अटैच किया गया है, कौन से वर्ड्स के साथ, विद और एज वेल एज लगाकर अटैच किया गया है, तो वहां पर भी सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स को अटैच किया गया है। कैसे, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स वॉज इन द मीटिंग हॉल। सो द रूल इज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अटैच किया है विद लगाकर, तो भी यहाँ पर जो वर्ब है वो अफेक्ट नहीं होगी। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मेन सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, प्रिंसिपल के साथ आएगा वॉज, तो हमें बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ मेन सब्जेक्ट की तरफ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोमा एज वेल एज रीटा लाइक सिंगिंग। मेन सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले किसकी बात हुई है, रोमा की बात हुई है, तो रोमा के साथ लाइक्स आएगा या लाइक आएगा, लाइक्स आएगा, तो हमें बस देखना है कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब आ रहा है, ये भी बहुत ईजी है। रूल नंबर 12, ये थोड़ा सा रिपीटेड है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, मैनी, कहीं पर भी ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आ गया आइदर, आइदर माई सिस्टर्स और माई मदर हैज सेंट मी अ गिफ्ट, हैव नहीं आएगा, हैज आया। देन यहाँ पर आ गया नाइदर ऑफ देम हैज बॉट चॉकलेट्स, या फिर आ सकता है नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। देन इज रूल नंबर 13, नाउंस लाइक ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल,
सीजर्स, तो इस तरह के नाउन्स जब भी आएंगे उनके साथ आएगा प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, योर शूज आर ग्लॉसी, माई ग्लासेस आर ऑफ ब्लू कलर. ग्लासेस या गॉगल्स वो है तो एक ही, लेकिन उसको बोला प्लूरल में जाता है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा. लास्ट टू रूल्स, ये रूल हमने पहले भी किया है, कलेक्टिव नाउन. तो इसमें से कुछ कलेक्टिव नाउन्स आप लर्न कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, टीम, फ्लीट, स्टाफ, कपल, आर्मी, ज्यूरी. आर्मी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. किसी भी सेंटेंस में इसमें से कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है उसके साथ सिंगुलर आएगा. सो सबसे पहले है द ज्यूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट. सेकेंड इज द आर्मी इज रेडी टू अटैक. राइट, तो जहां पर भी कलेक्टिव नाउन है वहां पर आएगा सिंगुलर वर्ब. लास्ट रूल इज अगर प्लूरल नाउन किसी भी चीज का नाम है तो वहां पर आएगा सिंगुलर वर्ब. जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स इज अ कंपाउंड सिंपल मशीन, तो यहाँ पर आ गया इज. 5 रुपीज, 5 रुपए का नोट, ये भी एक नेम है, इज अ स्मॉल अमाउंट. सो अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे. मेक श्योर आप इसको सुनने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिस सेट करें. प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं. तो हमने सारे रूल्स कर लिए. अब जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे आपको सारे रूल्स अपने आप याद आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज इट डैश 7 o'clock बाय माई वॉच. तो यहाँ पर क्या है इट, इट के साथ क्या आएगा, इज आर हैज हैव, इट के साथ आएगा इज. इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच. क्वेश्चन नंबर 2, अनीता एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल. दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको ज्वाइन किया गया है एंड से, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. सो राइट आंसर इज आर. Anita and her brothers are at school. Question number 3. One of my friends dash going to London on a trip. अब यहाँ पर बहुत सारे friends हैं, उनमें से कोई भी एक, तो एक के साथ क्या आएगा, singular verb. One of my friends is, A is the right option, is going to London on a trip. Question number 4. It dash been a very cold winter. अब यहाँ पर इट है उसके साथ सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पर बीन लगा हुआ है. सो इट के साथ क्या आएगा, हैज. हैज और हैव में से हैज आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, द मैन विद ऑल द कैट्स डैश ऑन माय स्ट्रीट. अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, मैन और कैट्स, और ये किस चीज से ज्वाइन है, विद से. लेकिन हमें किसको देखना है, मेन सब्जेक्ट को देखना है. मेन सब्जेक्ट कौन है, द मैन. तो द मैन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, लिविंग, लिव्स, लिव या फिर लिव्ड. तो यहां पर आएगा लिव्स. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, फ्यू स्टूडेंट्स हु डैश प्लेइंग फुटबॉल मिस्ड द क्लास. सबसे पहले तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट टेंस. उसके बाद हम देखेंगे मेन सब्जेक्ट क्या है. मेन सब्जेक्ट है फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स. तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा. यहाँ पे हमने बी ऑप्शन को कट कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट में है, बाकी तीनों पास्ट में है. तो फ्यू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दूसरा हिंट क्या है, यहाँ पर लगा है आईएनजी. तो आईएनजी पास्ट में किसके साथ लगा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी. तो फ्यू स्टूडेंट्स के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, फ्यू स्टूडेंट्स के साथ आएगा वर्ब, फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग फुटबॉल. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 7, एरोबिक्स डैश अ गुड एक्सरसाइज. सो मेन सब्जेक्ट है एरोबिक्स, एरोबिक्स के साथ आ गया डायरेक्टली इज. एरोबिक्स इज अ गुड एक्सरसाइज, एरोबिक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी एक्सरसाइज है. तो ये ट्रू फैक्ट है, तो यहाँ पर आएगा इज, यहाँ पर हम वॉज वर नहीं लगा सकते. क्वेश्चन नंबर 8, मैनी अ मैन डैश बीन किल्ड. बहुत सारे लोग मारे गए. अगर यहाँ पर सिर्फ होता मैनी मैन, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैन. मैन क्या है, सिंगुलर है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज. Has been killed. और has या have हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है been, इसलिए is और are नहीं आएगा. Question number 9, one of his uncles dash in the army. Means उसके जो इतने सारे uncles हैं उनमें से कोई भी एक army में है, तो एक की बात हो रही है, तो क्या आएगा, is. Is in the army, क्योंकि singular है. Last question,
द थ्री स्टेट्स डैश अ वेरी गुड बुक। अब ये रूल हमने किया था कि अगर कोई भी मूवी का नाम है या बुक का नाम है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। सो द थ्री स्टेट्स इज अ वेरी गुड बुक। सो और नंबर थ्री, यू हैव मॉडल्स। मॉडल्स का हमने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। सो फर्स्ट इज विल। विल किसके साथ यूज होता है? जब भी हमें कोई भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है, हमें अपनी इच्छा बतानी है, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर हमें कोई प्रॉमिस करना है, और इसी का पास्ट है वुड। सो वुड किस किस के साथ आएगा? कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो आएगा वुड, या आपको कोई अपनी पास्ट हैबिट बतानी है तो भी आएगा वुड। नेक्स्ट इज शेल। शेल भी आता है फ्यूचर एक्शंस के साथ, जैसे स्पेशली आई के साथ आ जाता है, आई के साथ शेल यूज हो जाता है। कोई भी प्रॉमिस करना है या कोई भी सजेशन देनी है, ये ज्यादातर फॉर्मल वे में यूज होता है। नेक्स्ट इज शुड। शुड बेसिकली एडवाइस के लिए यूज होता है, किसी को एडवाइस देनी है या कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन बताना है कि ये ऐसे करना चाहिए था, इट शुड बी डन लाइक दिस। नेक्स्ट इज कैन। कैन यूज होता है एबिलिटी के लिए, आप अपनी कोई भी एबिलिटी बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले वॉलीबॉल, सो दिस इज माई एबिलिटी। परमिशन के लिए, ये इनफॉर्मल वे में यूज होता है। और फॉर्मल वे में क्या यूज होता है? मे, जैसे आप स्कूल में यूज करते हो, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, तो आप वहां पर कैन यूज नहीं करते हो। और कैन यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और इसी का पास्ट है कुड। कुड यूज होता है जब आपको पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करनी है, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, और एबिलिटी बताने के लिए, और वो पास्ट में हो। जो गुड है वो कैन का पास्ट है। नेक्स्ट इज मे एंड माइट। पहले मे का देखते हैं। मे आता है परमिशन के लिए, मैंने आपको बताया जब फॉर्मल वे में कभी भी परमिशन लेनी है तो हम यूज करते हैं मे, पॉसिबिलिटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेइंग इट मे रेन, शायद बारिश हो जाए। लेकिन अगर हम कह रहे हैं इट माइट रेन, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। माइट यूज होता है पोलाइट परमिशन के लिए और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए। देन इट इज मस्ट। मस्ट यूज होता है स्ट्रांग ऑब्लिगेशंस के लिए, अगर आपको मना किया जाता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, यू मस्ट नॉट डू दैट। देन सर्टेनिटी के लिए, कमांड के लिए और ड्यूटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ऑट टू, ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के लिए, जब आपको बोला जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। लास्ट इज नीड टू। नीड टू यूज होता है जब भी हमें कोई नेसेसिटी फील होती है, और नीड टू किसके लिए यूज होता है? रिक्वायरमेंट के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल्स। आप इस टेबल को अच्छे से कर ले, इसके बाद हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन नंबर वन इज वी डैश रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स। शुड, मे, ऑट, देयर। सो क्या आएगा? हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर टू, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक्स कर सकता है, तो क्या है? पॉसिबिलिटी है। सो द ऑप्शंस आर मस्ट, कैन, शुड, ऑट। पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा? कैन आएगा। डैश यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये क्या है? ये एक प्रेयर है, एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है। उसके लिए क्या आता है? शेल, विल, मे, ऑट। राइट आंसर इज मे। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, या समटाइम्स जो हमारे पेरेंट्स है वो कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर फोर, अ सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर। ऑप्शंस आर डेयर, नीड, कैन, मस्ट। अब सर्वेंट को अपने मास्टर का कहना मानना चाहिए, ये क्या है? ये उसकी ड्यूटी है। सो राइट आंसर इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डैश आई बोरो योर पेन सर। अब यहाँ पे क्या लगा है? सर मीन्स ये फॉर्मल वे है। फॉर्मल वे में हम क्या यूज करते हैं? नीड, ऑट, मे, विल। फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं मे। मे आई बोरो योर पेंसिल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उषा आस्क्ड इफ शी डैश ब्रिंग हर डॉग। अब ये क्या है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर क्या लग गया? आस्क्ड, पोलाइट रिक्वेस्ट है, और ये है पास्ट टेंस। तो यहाँ पर मे और कैन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, और शेल भी नहीं आएगा। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? कुड। और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। उषा आस्क्ड इफ शी कुड ब्रिंग हर डॉग। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजीव डैश स्पीक फाइव लैंग्वेजेस। राजीव फाइव लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी है। सो कैन, मस्ट, ऑट,
शेल एबिलिटी के लिए क्या आएगा? कैन, राजीव कैन स्पीक 5 languages. क्वेश्चन नंबर 8, यू डैश पे योर डेब्ट्स. ऑप्शंस आर ऑट, नीड, डेयर, मस्ट. इसका आंसर आएगा मस्ट. क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है या फिर ये उसकी ड्यूटी है. यू मस्ट पे योर डेब्ट्स. क्वेश्चन नंबर 9, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल क्वेश्चंस. अब ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है कि सभी कैंडिडेट्स सभी आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे. तो ये क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है कि आपको सभी आंसर्स को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है. तो इसके लिए आ जाएगा मस्ट, नीड और कैन. राइट ऑप्शन इज मस्ट, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी भी है और ये ऑब्लिगेशन भी है. क्वेश्चन नंबर 10, रेस्ट अश्योर्ड आई डैश नॉट बैक आउट माई प्रोमिस. सो इसका मतलब है डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा. सो आई के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? और ये एक इनफॉर्मल वे है. यहाँ पर मे नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मल के लिए होता है. हैव नहीं आएगा, यहाँ आएगा आई विल नॉट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस. सो वी आर डन विद मडल्स. इसका टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है और आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगता. नेक्स्ट करते हैं. आर फोर्थ टॉपिक इज डिटर्मिनर्स. सो डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और वो बताते हैं नाउन की क्वालिटी और जो प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग करता है और उसकी पोजीशन. सो दीज आर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट इज प्री डिटर्मिनर्स. प्री डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स हाफ, हाफ ऑफ, ट्वाइस, क्वाइट, रादर, सच, व्हाट. अब प्री डिटर्मिनर्स कहाँ यूज होते हैं? प्री डिटर्मिनर्स यूज होते हैं आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट अ सनी डे. अ क्या है? आर्टिकल. सनी एडजेक्टिव एंड डे नाउन. सो व्हाट अ सनी डे, व्हाट जो है ये हो गया प्री डिटर्मिनर. सेकेंड इज आर्टिकल्स ए एंड द. सो ए यूज होता है फॉर सिंगुलर थिंग्स. एंड का यूसेज क्या है? अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वॉल्स का साउंड है तो वहां पर यूज होता है एंड. द के बहुत सारे रूल्स हैं जो हमने डिटेल वीडियो में किए हुए हैं, आर्टिकल्स वाली वीडियो में. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है ऐसे वर्ड जो एक पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दीज, दैट, दोज. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बैग. तो हम उस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा है. नेक्स्ट इज पोजेसिव्स. पोजेसिव्स कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है ये जो पर्टिकुलर चीज है ये किसको बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस. तो ये हाउस किससे बिलोंग करता है? मुझसे, माई. तो जितने भी यहाँ पे माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सारे क्या हैं? पोजेसिव्स. ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी पोजीशन बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल, द मैन सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच इज माय ब्रदर. तो जो मैन है वो कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट बेंच पर. ये बता रहे हैं हमारी पोजीशन. नेक्स्ट आर कार्डिनल्स. कार्डिनल्स कौन से नंबर होते हैं जो नॉर्मली काउंटिंग में आते हैं? 1, 2, 3, 4, जो भी काउंटिंग है, दिस आर कार्डिनल्स. एंड देन इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्वांटिटी को मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और ये हम अपने डेली यूज में भी यूज करते हैं. सो क्वांटिफायर्स में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि काउंटेबल हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं. उसमें से कुछ वर्ड्स हैं अ फ्यू और मैनी, ये आते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स. आई हैव सम बुक्स इन माई बैग. आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स इन माई पेंसिल बॉक्स. अ लिटल और मच, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल टाइम टू प्ले टूडे. मच, आई डोंट हैव मच टाइम टूडे. सो ये चीजें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आती हैं. नेक्स्ट यूसेज है जरूरी जो है वो एनी का है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां पर जो क्वांटिटी है वो अनस्पेसिफाइड है. फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी पेन इन योर बैग. सेकंड, ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है. डू यू हैव एनी फ्रेंड. सो हमने एनी के 2 यूसेज किए हैं. ये मोस्टली इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ यूज होता है. नेक्स्ट यूसेज है सम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
एनी हमने किया है कि ये नेगेटिव के साथ और इंटरोगेटिव के साथ आता है। सम जो है, सम में भी हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉजिटिव चीजों के साथ आता है, जहां पर आपको पता है कि जो आंसर है वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर वी लेफ्ट विद सम मिल्क, तो यहाँ पर आप पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आंसर है वो येस में आएगा। देन विद मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी, कैन यू गिव मी सम फूड टू ईट। सो जो सम है वो ज्यादातर पॉजिटिव वे में यूज होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे वर्ड हैं जो ये शो करते हैं कि कोई भी चीज कैसे लोगों में शेयर की गई या डिवाइड की गई। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एंड लास्ट आर इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव क्या है? ऐसे वर्ड जिससे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, वट, विच, हुज। सो दीज आर द डिटर्मिनर्स। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर वन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डैश गुड जॉब। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जो ब्लैंक है इसके बाद जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनर आएगा। क्वेश्चन नंबर वन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डैश गुड जॉब। हमें डिटर्मिनर्स किसके अकॉर्डिंग लगाने हैं? नाउन्स के अकॉर्डिंग लगाने हैं। सो ऑप्शंस आर एन, मच, मैनी, अ। सो यहाँ पर बात हो रही है जॉब की। मच और मैनी कट हो जाएंगे क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं, जॉब की क्वांटिटी नहीं आएगी। तो इसके साथ अ और एन में से क्या आएगा? यहाँ पर लगा हुआ है जी, गुड, ग साउंड की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा। राइट आंसर इज अ, डिफिकल्ट टू गेट अ गुड जॉब, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, वी वेट फॉर डैश पोस्टमैन एवरी डे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पोस्टमैन की बात हो रही है। सम नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? क्वांटिफायर्स हैं। हमें पोस्टमैन की क्वांटिटी नहीं बतानी है, तो पोस्टमैन के साथ क्या आ जाएगा? द, द पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर इजेंट डैश पेपर फॉर मी टू राइट ऑन। अब जो इजेंट है ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है? तो जहां पर नॉट लग गया हमें पता चल गया ये क्या है, एक नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस के लिए हमने कौन सा क्वांटिफायर किया था? हमने किया था एनी। देयर इजंट एनी पेपर फॉर मी टू राइट ऑन, ये आंसर में डायरेक्टली पता चल गया। क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज गिव मी डैश वन रुपी नोट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वन रुपी नोट की बात हो रही है। वन, इसमें आवाज किसकी आ रही है? व की। तो जो वन रुपी नोट है उसकी क्वांटिटी कितनी है? एनी नहीं है, अ फ्यू नहीं है, सम नहीं है। राइट आंसर इज अ वन रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर फाइव, इज देयर डैश फूड फॉर मी, आई एम वेरी हंग्री। अब ये कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? आपको लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। ये हमने किसमें किया था? लिटल, एन, सम, फ्यू। तो हमने किया था सम में। अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लग रहा है वहां पर आएगा सम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डैश मिल्क विल बी नीडेड फॉर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए कितने मिल्क की जरूरत है? जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मैनी भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मच। हाउ मच मिल्क विल बी नीडेड फॉर द ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, हर फादर वॉज डैश एमिनेंट आर्टिस्ट। ए, यहाँ पर आवाज आ रही है ए की, तो ए ये क्या है? एक वॉल साउंड है, इसके साथ क्या आएगा? एन। तो हमें आंसर डायरेक्टली पता चल गया, राइट आंसर इज एन। क्वेश्चन नंबर एट, डैश बॉयज हु कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर हैव गॉन बैक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बॉयज की बात हो रही है, तो इसके साथ अ नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, क्योंकि जो बॉयज हैं वो काफी सारे हैं। तो राइट आंसर इज सी, द बॉयज। क्वेश्चन नंबर नाइन, ओनली डैश बॉयज वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक तो यहाँ पे ओनली लगा है और यहाँ पर है बॉयज। अब जो बॉयज हैं वो काउंटेबल में आते हैं, तो यहाँ पर मैनी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ओनली है इसलिए मैनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा। राइट आंसर इज अ फ्यू, क्योंकि ये काउंटेबल है। ओनली अ फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर टेन, विल यू प्लीज लेंड मी डैश मनी। जहां पर भी हमें कुछ पॉजिटिव होप है उसके साथ कौन सा डिटर्मिनर आएगा? तो ये हमने बहुत अच्छे से किया था, उसके साथ मैनी नहीं आएगा, मच, एनी, उसके साथ आएगा सम। विल यू लेंड मी सम मनी, राइट? तो इस तरह से हमारे डिटर्मिनर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। सो नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हमने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो में किया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच मींस किसी फर्स्ट पर्सन ने किसी दिन कोई बात बोली. फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर करवा रही हूँ, कल आप यही बात अपने किसी फ्रेंड को बताओगे. मैम ने कहा वो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी, राइट? तो जो बात मैंने अपने मुंह से बोली थी उसमें प्रोनाउंस कुछ और थे, उसमें टेंस कुछ और था. जब वही बात आप किसी और को बता रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस और टेंस चेंज हो जाएगा. मोस्टली प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन ने वो बात बोली थी उस टाइम वो प्रेजेंट टेंस था, वो उस टाइम बोल रहा था. लेकिन वही बात जब आपने कुछ टाइम के बाद किसी और को बताई तब तक वो पास्ट टेंस बन जाता है. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ओल्ड मैन है, इन्होंने कहा आई एम फीलिंग सैड, मैं बहुत उदास हूँ. तो ये बात उन्होंने कब बोली है? अभी बोली है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? अब यही बात मैं किसी और को बता रही हूँ तो मैं क्या बताऊंगी? द ओल्ड मैन वॉज फीलिंग सैड, वो बहुत उदास थे, राइट? तो इस तरह से जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बन जाएगा. तो कौन कौन सी फॉर्म चेंज होंगी? Is am are का बन जाएगा was were, has have का बन जाएगा had, will का बन जाएगा would, can का बन जाएगा could. तो इस तरह से आपको आधे रूल्स अभी लर्न हो गए. प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट. नाउ द फर्स्ट रूल इज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच आएगी उसके हमेशा टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला शी सेड टू मी, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब. एंड रिपोर्टेड स्पीच, जो उसने अपने मुंह से वो वर्डिंग बोली थी, दिस इज स्पीच. तो हमेशा इसके टू पार्ट्स होते हैं. और हमें ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी यहाँ पर वर्ब लगी है उसी के अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ब है ये है सेड, ये किसमें है? पास्ट में है. अगर यहाँ पर पास्ट है तो ये भी पास्ट बन जाएगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. नरेशन के सिर्फ 5 रूल्स हैं, आपको ये 5 रूल्स लर्न करने हैं और इसके बाद नरेशन में आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा. सो इसको याद करने का हमने एक छोटा सा तरीका निकाला था, 1 का 2 और 2 का 3. इसका मतलब है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकेंड बन जाएगी, और सेकेंड है तो वो हैड प्लस थर्ड बन जाएगी. एक तरीका तो ये है. दूसरा हमने जो अभी अभी किया है कि जो प्रेजेंट है वो सारा पास्ट बन जाएगा. तो अभी इन दो तरीकों से देखो आपके कौन कौन से रूल्स कवर हो गए हैं. पहला रूल है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इन टू सेकेंड, 1 का 2. सेकेंड रूल है सेकेंड फॉर्म विल चेंज इन टू थर्ड, सो 2 का 3. इसके साथ लग जाएगा हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. उसके बाद है इज एम आर का बन गया वॉज वर, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट है और वॉज वर पास्ट है. उसके बाद लास्ट है हैज हैव का बन गया हैड, क्योंकि हैज हैव का पास्ट है हैड. सिर्फ एक ही रूल रह गया, रूल नंबर 4. यहाँ पे है वॉज वर, अगर पहले से ही पास्ट टेंस दिया है, वॉज वर है, इसका बन जाएगा हैड प्लस बीन. सिर्फ ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी रूल्स बहुत ही ईजी हैं. तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप इन रूल्स को जरूर याद कर लें. जिनको ये रूल याद है उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. और इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाके चेंज हो जाते हैं. दिस, दैट, हेयर, देयर, अगो, बिफोर, नाउ, देन, नेक्स्ट, द फॉलोइंग, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, दीज, दोज. डायरेक्ट में यहाँ पर अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में जब हम लिखेंगे हम उसको दैट लिखेंगे. तो ये भी आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है. सो वी आर ऑन द प्रैक्टिस सेट. अगर आपने रूल्स को अच्छे से किया है तो आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा. और अगर आपको नरेशन को और अच्छे से करना है तो आप डिटेल वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1, राम सेज आई डोंट वर्क हियर. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जैसे ही आप स्टेटमेंट को पढ़ लेते हो आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस. अगर रिपोर्टेड वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर वाली स्पीच में रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रूल अप्लाई होगा. सो चेक कर लेते हैं. रिपोर्टेड वर्ब है राम सेज, सेज किस में लगता है? प्रेजेंट में. तो अंदर की जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें रूल अप्लाई नहीं होगा, ओनली प्रोनाउंस विल चेंज. सो राम सेज, इसका बन गया राम सेज दैट, आई का बन जाएगा ही, ही के साथ लगेगा डज, ही डज नॉट वर्क हेयर का बन जाएगा देयर. सो राइट ऑप्शन इज सी, राम सेज दैट ही डजंट वर्क देयर.
क्वेश्चन नंबर टू, मोहन विल से टू मी आई एम इन नीड ऑफ अ गुड सेल्समैन। सबसे पहले चेक करते हैं मोहन विल से, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है तो अंदर कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। सो क्या आंसर बनेगा? मोहन विल से टू का बन जाएगा टेल, मोहन विल टेल मी दैट, आई का बन जाएगा ही इज इन नीड ऑफ अ गुड सेल्समैन। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, राम हैज सेड टू मोहन देयर इज नो मनी इन हिज पर्स। सो यहाँ पे लगा हैज सेड, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, ओनली प्रोनाउंस विल चेंज। तो यहाँ पे लगा है सेड टू, सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, राम हैज टोल्ड मोहन दैट देयर इज नो मनी इन हिज पर्स। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर फोर, ही सेड टू मी यू डिडंट कंसल्ट मी। सेट टू क्या है? पास्ट टेंस है तो रूल अप्लाई होगा। सेट टू का बन जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यू का क्या बन जाएगा? आई। और डिड क्या है? डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? सेकेंड फॉर्म विल चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो राइट आंसर इज बी, ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कंसल्टेड हिम। क्वेश्चन नंबर फाइव, He says to her, I shall give you some money. Says क्या है? Present tense है तो अंदर tense change नहीं होगा। He tells her that, pronounce change कर देते हैं, I का बन गया he के साथ will और shall में से क्या लगेगा? Will लगेगा। He will give her some money. So right option is A. क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहन सेड आई लाइक रीडिंग बुक्स। सेड क्या है? पास्ट टेंस है तो रूल अप्लाई होगा। सो क्या बनेगा? मोहन सेड दैट He liked reading books. Like क्या है? First form है, first form will change into second form. So this is given in last option D. D is the right option. Mohan said that he liked reading books. Question number 7. He said to me, I am not solving the sums. Said to past है, so he told me that he was not solving the sums. It is given in option C. So right option is C. Question number 8. I said to him, will you return tomorrow? So, ये एक interrogative sentence है, said to का क्या बन जाएगा? Asked. So, I asked him if he would return tomorrow का बन गया the next day. So, right option is D. I asked him if he would return the next day. Question number 9. She said to the fox, are the grapes sour? So, said to का बन गया asked. She asked the fox if the grapes were sour. Right option is A. Question number 10. I said to him, do you like apples? Said to क्या है? Past में है तो rule apply होगा. Said to का क्या बन जाएगा? Asked, क्योंकि ये interrogative sentence है. So, I asked him if he liked apples. So, right option is B. So, next topic is error and correction. इसमें आपको ध्यान रखने हैं कुछ important rules, जिसके अकॉर्डिंग हम एरर एंड करेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। सो द रूल्स आर, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और हमें देखना होता है कि किस चीज में गलती हो सकती है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो वो टेंसेस में होता है। एंड ऑन द सेकेंड नंबर देयर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स हैं वो गलत दिए होते हैं। देन इट इज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में भी बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। एंड ऑन द फोर्थ नंबर इज प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस में एक या दो गलती जरूर होती है। अगर आपको 4-5 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से एक या दो प्रेपोजिशंस के होते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑफ कंजंक्शंस, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। सो कंजंक्शंस का भी आपने ध्यान रखना है। और कुछ और चीजें जिसमें एरर्स होते हैं, नाउन्स, इन्फिनिटिव वर्ब्स, मॉडल्स एंड क्वेश्चन टैग्स। लेकिन जो सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं वो होते हैं इन फर्स्ट 5 में। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लीस्ट 28 million जॉब्स। सो फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर यू, इसमें एरर है एन में और इसकी जगह इन्होंने आंसर दिया है ऑफ। तो क्या बन गया? टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लीस्ट। हम जर्नली क्या बोलते हैं? हम ऑन लीस्ट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं जर्नली? एटलीस्ट 288 million जॉब्स। इट इज वाइटल फॉर एन इकोनॉमीज। अब यहां पर दिया है इकोनॉमीज तो इसके साथ एन नहीं आएगा। सो एरर क्या है? एरर है एन और इसकी जगह क्या करेक्शन है? द। सो एन की जगह आ गया द। इकोनॉमीज ऑफ मच कंट्रीज, कंट्रीज के साथ यहां पर मच नहीं आएगा, मच एरर है। मच की जगह क्या आ जाएगा? मैनी कंट्रीज, क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन है।
बट इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के साथ ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह क्या आएगा, टूवर्ड्स आएगा, टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. क्वेश्चन नंबर टू, हैव यू बीन क्रिटिसाइज्ड बाय टीचर्स. तो यहां पर बीन की जगह आपको सॉफ्ट आंसर दिया हुआ है, बीन की जगह आएगा बीन. तो आप साथ साथ नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा एरर किस में आ रहे हैं, टेंसेस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सेकेंड इज टीचर्स फॉर शाउटेड इन द क्लासरूम. सो यहाँ पर आएगा टीचर्स फॉर शाउटेड एरर है, शाउटेड की जगह आ जाएगा टीचर्स फॉर शाउटिंग इन द क्लासरूम, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है. हेयर इज समथिंग टू चीयर्ड यू अप. यहाँ पे एरर है चीयर्ड में, चीयर्ड की जगह आएगा टू चीयर यू अप. Now experts have found as impulsive children. So error is as. Now experts have found that impulsive children. So right option is that. That impulsive children that cannot resist shouting. So यहाँ पर error है that. Children की बात हो रही है तो उसके साथ that नहीं आएगा. Who cannot resist? Who is the right answer? Cannot resist shouting in the class. Score higher in tests to those who appear. तो यहाँ पर comparison है तो उसके साथ to नहीं आएगा. Comparison के लिए हम क्या लगाते हैं, comparison के लिए हम लगाते हैं then. To be better behave and quiet. So behave नहीं आएगा, behave की जगह आएगा behaved. So again ये जो mistake है ये tense में है. Question number 3. Master Chandki Ram's daughter Deepika Kali Raman have set up. अब ये जो दीपिका काली रामन है ये क्या है, एक गर्ल है और इसके साथ आएगा हैज. सो दिस एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. दीपिका काली रामन हैज सेट अप द रेसलिंग सेंटर. सो यहाँ पर एरर है आर्टिकल में, द रेसलिंग सेंटर नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले हमने इसके बारे में नहीं सुना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ रेसलिंग सेंटर ऑफ गर्ल्स इन विलेज पुछानपुर द्वारका. तो यहाँ पर क्या एरर है, सेंटर ऑफ गर्ल्स, सेंटर ऑफ गर्ल्स नहीं आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा फॉर. और ये प्रपोजिशन की मिस्टेक बहुत कॉमन है, मोस्टली ऑफ की जगह फॉर आता है या फिर फॉर की जगह ऑफ आता है. दीपिका इज एन एल्डेस्ट डॉटर. अब यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ एन नहीं आता. क्या आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, आता है द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ रेसलिंग गुरु. तो यहाँ पर क्या एरर है, डॉटर ऑफ अ रेसलिंग गुरु. अब ये जो रेसलिंग गुरु है इसका नेम ऊपर मेंशन किया हुआ है तो जिसकी बात फिर दोबारा से होती है उसके लिए क्या आता है, अ नहीं आएगा, अ एरर है, अ की जगह आ जाएगा फिर से द, क्योंकि उसका नाम हम पहले सुन चुके हैं, द रेसलिंग गुरु चंदगी राम. आफ्टर द गुरु पास्ड ऑन अ ईयर अगो. तो यहाँ पर क्या एरर है, पास्ड ऑन होता है या क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई गुजर गया है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन. यहाँ पर एरर है, इसके साथ आएगा पास्ड अवे. सो अवे इज द राइट ऑप्शन. पास्ड अवे अ ईयर अगो दीपिका टुक इट अप ऑन हिमसेल्फ टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ हर फादर. सो जो एरर है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दीपिका क्या है, गर्ल है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर लगा है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, herself. ये बहुत इजी है आपके लिए. सो वी आर डन विद एरर एंड करेक्शन. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें. थैंक यू. बाय बाय.